अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो क्या आप अपने विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 उसमें से टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हो ताकि आपका पीसी जो है वो स्मूथ चले, बेहतरीन चले, तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। कोई भी स्टेप मिस नहीं करने वाले। इंशाल्लाह जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ सबसे इजी मेथड है, सबसे आसान मेथड है। आपने इस मेथड को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका जो पीसी है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सर्च बटन में आ जाना है, और आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इधर आके लिखना है run, रन, ठीक है, और इंटर का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने कुछ कमांड लिखनी है, मैं आपको इधर कमांड लिख के भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी कमांड लिखनी है। सबसे पहले नंबर पे जो पहली कमांड होने वाली है उसका नाम हम डालेंगे उधर टेम्प, ठीक हो गया। इसको मैं इधर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो, ये देखे, और इसको आपने इंटर प्रेस कर देना है, ठीक होगा। आपके पास ऐसा एक फोल्डर आ जाएगा, उसमें काफ़ी सारी फाइल्स होंगी, काफ़ी सारी, तो इनको आपने डिलीट कर देना है, ठीक हो गया। घबराना वगैरह नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, ये जो फालतू फाइल्स है वही आपके पीसी से उड़ी हैं, कोई आपकी ज़रूरी विंडोज़ वगैरह वाली फाइल्स नहीं उड़ी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने दोबारा फिर आना है, और दोबारा फिर हमने एक और जो कमांड है वो सर्च करनी है। दोबारा फिर हम इधर जाते हैं रन में, और अब इधर कौन सी कमांड रन करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज आपने जो है वो लगा लेनी है कमांड। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर हम इसको रन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये अभी हमारी जो है ये कमांड आ जाएगी, हमने इसको इंटर किया और ओके कर दें, ठीक हो गया। ये देखिए काफ़ी सारे फोल्डर पड़े हैं, मैं क्या करता हूँ कंट्रोल आल करने से, कंट्रोल ए करने से सारी फाइल्स जो है वो सिलेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर देना है, ठीक हो गया, और इंटर कर देना है। 749 मेरी फाइलें हैं, ठीक हो गया, जो मेरे पीसी को बहुत स्लो करके रखी हुई थी जिन्होंने, तो ये मैंने सारी डिलीट कर दी आपकी आंखों के सामने। इसके बाद जो नहीं होती उनको घबराने नहीं है, उनको स्किप कर देना है, बिला मतलब ऐसा घबराना नहीं है कि यार ये डिलीट मैं कर रहा हूँ डिलीट नहीं हो रही, ठीक हो गया, ये हमारी दो फाइल्स डिलीट होगी। इसके बाद हम जो तीसरी जो कमांड लगाएंगे, लेकिन उससे लगाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो जो तीसरी कमांड हमारी रहने वाली है उसका नाम है PREFETCH, प्री फुटिज, ठीक हो गया, क्या नाम है इसका, प्री फुटिज। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और रन में चले जाते हैं और इंटर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने इधर पेस्ट किया और आपकी आंखों के सामने मैंने इंटर का बटन जो है वो प्रेस किया। इधर भी काफ़ी सारे फाइल पड़े हैं, कंट्रोल ए करूंगा और डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दूंगा और इंटर कर दूंगा, ठीक हो गया। जो फाइल डिलीट होती हैं उनको कर देना है, बाकी सारी फाइल्स डिलीट होगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने रिसाइकल बिन में आ जाना है और इसको भी इधर से इम्प्टी कर देना है। मैंने आपकी आंखों के सामने किया सब कुछ, कोई भी आपसे ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने एक और स्टेप करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया, आपके पीसी को फास्ट करने के लिए। वो मैं आपको वैसे बोनस के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट काफ़ी हद तक है। क्या करना है, इधर जाना और इधर लिखना है SLWP स्लीप, ठीक हो गया, और इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एडिशनल पावर सेटिंग्स का, आपने इधर आ जाना है, ठीक हो गया, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चेक कर लेना है कि इधर कौन सा, इधर होगा पावर सेविंग वाला, ये जो अभी नीचे हुआ हुआ ये वाला, ठीक हो गया। जो बेसिक आपका होता है डिफॉल्ट वो ये वाला होता है, ये हमें लगाना पड़ता है हाई परफॉर्मेंस वाला। तो वो लगाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जब ये ऐसा नीचे आ जाए आपने क्या करना है, आपने इधर नीचे आके हाई परफॉर्मेंस वाला सेलेक्ट कर लेना होगा, हाई परफॉर्मेंस ऊपर चला जाएगा। उसके बाद चेंज प्लान सेटिंग पे जाना है और इन दोनों को नेवर नेवर कर देना है, ठीक हो गया। नेवर करने के बाद इधर अपनी जो सेटिंग है वो चेक कर लेनी है और इसको 20 रखना है, ठीक हो गया, बस यही सेटिंग थी। उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक कर देना और इसको क्लोज कर दें। अब जो आपका पीसी है वो काफ़ी हद तक पहले से जो है वो बूस्ट हो जाएगा और आपकी जो विंडोज़ है वो विदाउट लैगिंग चलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।